से लगी हुई है जी जी। फिर भी भारी मतलब विकास से कोसों दूर है जी जी। यहाँ स्थानीय नेता जो भी होते हैं, संसद हैं, विधायक हैं, वो हमारे गांव को एकदम तिच्छ छोड़ करके चले जाते हैं। आप अंदर गांव जाकर देखें तो आपको लगेगा नहीं कि शहर से लगा हुआ गांव, एकदम सुडूल जंगल का गाँव दिखता। रुपया गिनते अपने घर में इस रखते बार हैं। सतना में परिवर्तन चाहिए कि वही सत्ता चाहिए? परिवर्तन ना चाहिए हमको, वही क्या करना हमको, मतलब आप परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, देखिए ध्यान नहीं दिया गया, यही तो बात है जी जी। इसे रोड बढ़िया से साइडिंग जाना था जी जी, बनी हुई है, आज तक इसमें डामर नहीं बन पाई। नेता बहुत आए हैं लेकिन रोड नहीं बन पा, रोड नहीं बन पाई। क्या समस्याएं आ रही है हमारे पंचायत में? सब पंचायत में समस्या कुछ नहीं है, न रोड न पानी है, कोई मर जाए न डॉक्टर, कोई मर जाए तो मरत रहो। तो आदरणीय हमारे चार बार के सांसद जी, तो उनसे कभी नहीं बोले कि अरे वो सांसद आबत है जेते तो खाए पी के बड़का बनका ये चले जाते, कहते हम बैठिए जनती में, अब क्या बताएं। कंपनी दे सकते तो आपकी समस्या को देखते इस बार सतना लोकसभा सीट में परिवर्तन चाहिए आपको कि वही सत्ता रहे? नहीं, परिवर्तन चाहिए हमको, परिवर्तन यह चाहिए, पानी का चाहिए, बिजली का चाहिए और राशन कार्ड। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत की बात सबके साथ चैनल में सभी का स्वागत है। मैं विजय जायसवाल, आज हम रायगांव विधानसभा विजिट कर रहे हैं जो कि ये बटिया पंचायत लगता है, और यहाँ की समस्या जानेंगे और यहाँ का ओपिनियन जानेंगे। तो जय, कौन सा विधानसभा लगता है? रायगांव। तो सतना लोकसभा लगता है कि नहीं लगता? लगता है। तो ये बताइए आपके पंचायत में क्या समस्याएं आ रही है? हमारे पंचायत में सब पंचायत में समस्या कुछ नहीं है, न रोड न पानी है, कोई मर जाए ना डॉक्टर, कोई मर जाए तो मरत रहो। तो आदरणीय हमारे चार बार के सांसद जी, तो उनसे कभी नहीं बोले कि अरे वो सांसद आबत है जेते तो खाए पी के बड़का बनका ये चले जाते, कहते हम बैठिए जनती में, अब क्या बताएं। है तो इस बार जब वोट मांगने आएंगे तो ये भी बोल दीजिएगा कि हम भी नहीं जानते। हाँ तो हम नहीं जाने, हम सीधे कह दिए इस बार सतना में परिवर्तन चाहिए आपको। हाँ, परिवर्तन चाहिए आपको कि नहीं भाई? आप ऐसा नेता चाहिए जो आपको सोचे, आपके गाँव के बारे में सोचे, आपके गांव में पानी लाए, आपके गांव में रोड बने। देखी यहां जो है, यहां का चाहे सरपंच हो चाहे को हो, कंपनी है तो पैसा में मुंह बंद कर देती है, बिक जाते हैं। अब सरपंच पैसा दई के 5 साल सरपंच बोल नहीं सके, न पब्लिक बोल सके। पहले खा ले थी तो बोले कहां थे भाई मोदी जी? बात को नहीं खाता वो, आप पहले बोलता है आप बाद में। मोदी जी बात करते हैं, हर घर जल योजना की बात होती है, हमारे गाँव में एक घर भर बना है मोदी वाला, बाकी किसी के घर नहीं बने। क्यों बना है? कहते हैं कि वो कंपनी रोक लगाया, उसका काहे बन गया है? हाँ, जब उनका बना सभी का बना, सबको बनना चाहिए, सबका समान अधिकार है। हाँ, काम काज चला होगा जैसे सबका। ये देखिए जो भी योजनाएं बताई जा रही है, नल योजना की बात की जाती है, यहाँ बताया जा रहा है कि रोड जो है 20 सालों से कुछ नहीं बना है, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। मैं माननीय सांसद जी से निवेदन करता हूँ कि इस गाँव को विजिट कीजिए, जो भी समस्याएं हो इनका निराकरण अवश्य कीजिए, और माननीय जो मंत्री जी हैं, प्रतिमा बागरी मैडम जी हैं, उनका विधानसभा रायगांव लगता है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि थोड़ा ये गांव को जो समस्या है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, इन लोगों की थोड़ा आप लोग विजिट कीजिए और इन लोगों को जरूर दिखिए है। और हमारी मोदी जी के जो कार्यक्रम होते हैं, हमेशा बोला जाता है नल जल योजना, एड चलता है तो उसमें नल चला के दिखाया जाता है, लेकिन आज मैं दिखाऊंगा ये टंकी, देखिए मैं ये टंकी आपको दिखाने वाला हूँ, कब से टंकी बनी हुई है। यहाँ के लोग जो है परेशान हैं, युवा परेशान हैं, वृद्ध सभी लोग परेशान हैं, टंकी में एक बूंद पानी नहीं है। और ये देखिए टंकी बनी हुई है, कब से टंकी जो बनी हुई है। सर क्या नाम है आपका? पवन कुमार सिंह जी। जी तो ये जो पानी की समस्या पे बता जा काफी गंभीर है जी, बहुत ज्यादा। कब से पानी की समस्या आ रही है? पानी की समस्या तो आज कम से कम 20 साल से है जी। जी एक साल पहले टंकी बनाई गई, उसके बाद अभी 2-3 माह चालू की गई, उसके बाद कोई ध्यान न रखते हुए लाइट का पूरी लाइट चोरी चली गई तार, उसमें अब कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ से सांसद कलेक्टर सब के हम लोग आवेदन भी दे चुके, क्या सुनवाई हुई है? कोई सुनवाई नहीं हुई है, एक बार कोई पुलिस भी नहीं आके देखी कि मानो कितना मतलब मतलब लोगों के लगता है कि सतना ये एरिया है ही नहीं, है ही नहीं है, मतलब नक्शे से बाहर कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, लोग आते नहीं है, जबकि सतना से लगा हुआ गाँव है, बिल्कुल शहर से लगा हुआ है, 4-5 किलोमीटर लगा हुआ है।
चार पाँच किलोमीटर में, दो किलोमीटर यहाँ से एक घूटा अपना नगर निगम में। इस बार लोकसभा चुनाव है, इस बार लोगों का क्या है यहाँ विकास को देखते हुए? विकास के को देखते हुए जो विकास करेगा उसी को हम लोग समर्पित होंगे। तो आप परिवर्तन चाहते हैं कि वही चीजें परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि 20 सालों से हो गए, 20 साल से हो गए, गाँव की समस्या दूर है, न नाली है, मानो कुछ हमारे गाँव में ऐसे बाढ़ है की पूरे बाढ़ में एक भी नाली और रोड कहीं है ही नहीं, मानो पूरे बाढ़ के अंदर। तो ये सरपंच सेक्रेटरी से कुछ नहीं करवाते हैं? कुछ नहीं करवाते हैं भाई, नाली गांव की नाली बनवाना सरपंच सेक्रेटरी का काम होता है, गांव की व्यवस्था करना सरपंच सेक्रेटरी काम होता है। ये जो सरपंच सेक्रेटरी है यहाँ पे जो सीएसआर का मत भी आता है उसको सीएसआर है, ये रोड बनवाती है, कंपनी की रोड बनवाती है, कंपनी की तार बारी करवाती है, ये इसी मत से आज गांव का विकास कुछ नहीं, मतलब पब्लिक कुछ नहीं है, कंपनी का विकास होगा, सब चीजें होंगी। अगर ये गलती हो तो आप लोग उनका सब रिकॉर्ड होता है, सीएसआर मत से पूरा रिकॉर्ड आप लीजिए, उनसे पूछिए कि ये पैसा कहाँ पे लगा, ये जनता का पैसा है ना कि सीएसआर का पैसा है ना कंपनी का पैसा है, ये पब्लिक का पैसा है। तो यहाँ देखे 20 सालों से जनता जूझ रही है, इसलिए यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है। तो सभी नेताओं से मेरा दरख्वास्त है कि जब 20 सालों से जनता जूझ रही है, जब आप लोग आते हैं वोट मांगने कि हमें वोट दीजिएगा, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे नज़र भी घुमा लीजिएगा इस टंकी की तरफ और बताइएगा कि कब कितनी पानी की समस्या है लोगों की, ठीक है? विकास के नाम में इस रैगांव विधानसभा में, जो विधानसभा में बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी, उसका कहीं ना कहीं अब नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ की जनता का मैं रिव्यू ले रहा हूँ, यहाँ की जनता की मैं इसी देख रहा हूँ, और यहाँ की जनता जो बात कर रही है उनकी समस्या देख पा रहा हूँ, जनता बिल्कुल रुष्ट है और जनता यहाँ की परिवर्तन चाहती है। कर रहे हैं तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनभरन सिंह। मनभरन सिंह जी, कौन सा पंचायत लगता है आपका? बठिया पंचायत। बठिया पंचायत है। तो क्या क्या समस्या है यहाँ पे? लोकसभा चुनाव आ गया है, सभी नेताएं वोट मांगने आएंगे अपने अपने पार्टी के, तो आपके यहाँ यहाँ पे देखा जाए पंचायत में कि लोगों जैसे बात हुई, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं या क्या क्या किन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया है? ध्यान नहीं दिया गया, यही तो बात है जी। जी, जैसे रोड बठिया से साइडिंग जाना था जी, जी बनी हुई है, आज तक इसमें डामर नहीं लग पाए, नेता बहुत आए हैं लेकिन रोड नहीं बन पा, रोड नहीं बन पाई, टंकी बनी जी जी, अभी लाइन चोर लोग निकाले गए, चालू होगी लेकिन समय तो लगेगा इसमें, कोई नहीं तो जनता भी जूझ रही ना, गर्मी का माहौल है, पानी में ताए ताए पूरा गांव कर रहा है, पानी कभी इधर भटक रहा उधर, सुबह उठता है तो वही डब्बा उचा के सीधे पानी की व्यवस्था में लग जाता है, पानी की व्यवस्था। ये समस्याएं कौन देखेगा भाई? जनता किससे आशित करेगी? जो हमारे सांसद होंगे, विधायक होंगे, अपने जो सरपंच सेक्रेटरी होंगे। तो इस बार लोकसभा चुनाव में आप क्या चाहते हैं? विकास के मुद्दों को देखते हैं, परिवर्तन चाहते हैं या कि वही सत्ता? नहीं, परिवर्तन तो नहीं चाहते हैं जी जी, सरकार वही चाहिए। सतना लोकसभा काम लेट पार्ट होता है, 70 साल लेट रहा तो अभी 10 साल में क्या लेट। तो इस बार उम्मीद है कि आपकी जो रोड है, पानी व्यवस्था हो सकती है? हाँ, हो सकती है। तो सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र नामदेव। जितेंद्र नामदेव जी हैं। तो इस बार लोकसभा चुनाव पर्व आ गया है, तो आपके पंचायत को देखा जाए, क्या क्या समस्याएं अभी आपकी पंचायत में? हमारी पंचायत तो यहाँ सतना नगर निगम से लगी हुई है जी जी, फिर भी भारी मतलब विकास से कोसों दूर है जी जी। यहाँ स्थानीय नेता जो भी होते हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो हमारे गांव को एकदम तिच्छ छोड़ करके चले जाते हैं। आप अंदर गांव जाकर देखें तो आपको लगेगा नहीं कि शहर से लगा हुआ गांव, एकदम सुडूल जंगल का गाँव दिखता है। पानी की सुविधा आप देखिए, यहाँ पानी नल जल योजना से यहाँ टंकी बनी थी, लेकिन 24 पोल का तार चोरी हो गई। आज तक हम लोग विधायक से, संसद से, सरपंच से सबसे निवेदन किए कि ये कड़कती धूप में एक आदमी एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, फिर भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। मोदी जी प्रचार करते हैं, नल में ऐड आता है कि घर घर योजना, पानी पहुंच चुका है। नहीं, उनकी बात सही है, पहुँच चुका है, लेकिन जो यहाँ के कर्मचारी है या क्षेत्रीय नेता है, जो क्षेत्रीय नेता, जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं, उनकी गलती है, तो उन पर सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप अभी यहाँ से देखें कि ये रोड जाती है यहाँ बठिया कला से साइडिंग के लिए, ये पूरी कच्ची रोड है, कम से कम ये 3-4, 4-5 किलोमीटर की रोड है। कितने सालों से हो गए रोड? ये रोड जब से हम लोग जानने लगे, जब से देश आजाद हुआ है,
तो आप ये माने कि 70-80 साल जब से भी आजादी के पहले से, हम बाद में मान लीजिए ये कच्ची रोड है, ये चुलानी साइडिंग हो गया, चुलानी हो गया, आहरी टोला, ये मेन गांव है जो इस रोड से चलते हैं। बरसात में आप ये मान के चले कि ये आवागमन के लायक किसी प्रकार से रोड नहीं रह जाती है। संसद महोदय ने कहा था हम बनवा देंगे, विधायक जी ने कहा था कि हम बनवा देंगे, लेकिन आज तक कोई नहीं बनवाए। संसद जी अपने खेतों में, आप अबेर चले जाइए, उनके गांव एरिया खमरिया चले जाइए, वहाँ खेतों में हारों में पक्की रोड बनी हुई है, लेकिन हमारे गांव में आज तक रोड की व्यवस्था नहीं की गई, मुरुम तक नहीं पड़ी हुई। आप सब कह रहे, आप अभी तो मैं रोड दिखाऊंगा, मैं लास्ट के वीडियो में रोड भी दिखाऊंगा और पूरे नल जो खड़े उनको भी दिखाऊंगा। सूखा मौसम है तो किसी तरह आदमी आज खेत में भी चला जाता है, लेकिन बारिश के दिनों में यहाँ जाने में भारी दिक्कत होती है। हम सबसे ज्यादा पीड़ित है सतना सीमेंट से। आप माने कि माधवगढ़ सोहावल और ये बदखर पूरा नगर निगम से जुड़ गया, यहाँ विकास की धाराएं बह रही, लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर नगर निगम की सीमा है, हमारे 1 किलोमीटर नगर निगम सीमा है, लेकिन सतना सीमेंट की उपेक्षा के कारण हमारा गांव नगर निगम से नहीं जुड़ पा रहा। यदि नगर निगम से जुड़ जाएगा तो यहाँ विकास होगा, आप भी मानते हैं, जन भावना मान है, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं सतना सीमेंट के गुलाम हैं, वो हमारे गांव का विकास रोके हुए हैं, और हमारे यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी सतना सीमेंट के गुलाम हैं, वो खुद नहीं चाहते कि इस गांव का विकास हो। मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है कि इस गांव को भी देखा जाए, यदि इसी तरह की बाधा इसी तरह की समस्या रही आई तो स्थानीय लोग जरूर से जरूर इस लोकसभा चुनाव के वोट का बहिष्कार करें, क्योंकि चुलानी एसआईडी आहरी टोला देखें यहाँ आवागमन नहीं है। देखिए यहाँ दोस्तों, आज हम रहे गांव विधानसभा विजिट कर रहे हैं, तो सर कौन सी पंचायत लगती है, क्या नाम है आपका? सर ये ग्राम पंचायत बठिया कला है। यहाँ जो है तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है। देखिए क्या होता है, जरूरत अभी है, जब किसी व्यक्ति को जरूरत पे चीजें मिल जाती है तो अच्छी होती है, अच्छी होती है, ठीक है। जरूरत अभी गर्मी का मौसम है, पानी की जरूरत यहाँ पे बताया गया है, 2-3 महीने से काफी लोग जनता परेशान है, जनता परेशान है। मैं भी गांव को विजिट किया हूँ, देखा हूँ, पानी दिया जाए सर, पानी चल के पहुँचाते लोग बाग। सर जी मैं ये बोला, हाथ जोड़ के निवेदन, पानी चल के लोग बाग पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे राक्षस साले पानी बंद कर देते हैं। हमको सुन के बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है, अपने आप में सर कमी महसूस हो रही है। इतनी पढ़ाई किए, इतनी सब कुछ किए, लेकिन देखो ये हालत है, ना कहीं रोड ना कहीं नाली। बताओ पैसा लेकर सरपंच सेक्रेटरी आते हैं, 32 लाख रुपया, 70 करोड़ रुपया हर पंचायत का पास हुआ, अब पैसा गया कहाँ गया पैसा यार, खाता से यहाँ रजिस्टर में चढ़ा दियो पूरा काम, ओके दे आए सीओ साहब को पूरा काम, ओके यहाँ काम देखो तो कुछ नहीं, कोई बात नहीं हुई सर, काम को आगे बढ़ाया जाए। देखिए जो जितनी ये बोल रहे हैं ये सबकी जो जांच बैठानी चाहिए और जांच का निराकरण हो, जिसकी गलती है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे जो भी हो, कार्रवाई हो और जांच केंद्र बैठाया जाए। जी सर बिल्कुल, जांच केंद्र बैठाया जाएगा, इस पर कार्रवाई बैठाया जाए, कोई सरकारी कर्मचारी बैठाया जाए तो जिसमें चाहे भले यहाँ से लेकर सतना तक फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन लगेगी। नहीं बिल्कुल होगा, आज वो समय चला गया, आज जो होगा समय चला गया, पुराना समय नहीं है, पुराना समय चला गया, आज जो है नए समय को देखो तो हमको सबको संभाल, भारत को कोई दूसरा संभालने नहीं आएगा, हम ही आपको सर हमको संभालने आया हो सर, जो गलतियां हो तो क्षमा करिएगा। बिल्कुल सही है, हम ही आप देखिए आज कोई व्यक्ति नहीं संभालने आएगा, हम ही आपको संभालना पड़ेगा। बिल्कुल भाई बन के, साथी बन के, दोस्त बन के, गले लग के, यार बन के, सब कुछ यही है सर। देखिए बिल्कुल है, बिल्कुल जब हम एकजुट, देखिए जब हम मैं अकेला, हम भारत के वीर सिपाही आगे कदम बढ़ाएंगे, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। भारत माता की बोलो ना, सब कोई जय 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 भारत माता की, भारत माता की, आज से विकास चालू 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 बिल्कुल होगा। तो को हाथ जोड़ के निवेदन है आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाया जाए। तो आज हम रहे गांव विधानसभा विजिट कर रहे हैं बटिया पंचायत में, तो सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामगोपाल वर्मा। रामगोपाल वर्मा जी हैं, इस बार लोकसभा चुनाव आ रहा है, आपके गाँव को विकास को देखते हुए, देश को विकास को देखते हुए इस बार क्या परिवर्तन आपको लग रहा है? हमें तो कुछ नहीं प्रभाव पड़ा, सब वैसे चल रहा है, जीरो जीरो। हाँ क्या क्या समस्याएं, अगर जो भी केंद्र की योजनाएं हैं, सारी समस्या की योजना है, सारी समस्याएं हैं, ना तो मकान हमारा बना, खपड़े वाला मकान बना है आज भी, अभी हमारा जी पहला काम,
दूसरा काम न रोड है, न पानी है, न नदी तालाब है, जानवर भी तड़प रहे हैं। मोदी जी तो बोल रहे हैं सब पूरा विकास हो रहा है। अभी चल के मोदी जी को बुलाइए, आप भी चल के देखिए, मौका करिए, अभी भी चलिए, हम मौका करवा रहे हैं अभी। तो जो कहीं नदी तालाब हो, आपने सांसद जो कहीं जानवर पानी पीने का जगह पा जाए, जो कहीं तो इंसान जो पानी का विस्तार कर ले सही ढंग से। जो विधायक हैं कभी विजिट किए हैं, कभी उनसे शिकायत किए हैं? शिकायत तो हम दिल्ली तक होती, भोपाल तक, मंत्री तक होती है, 181 में लगाते हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं। हाँ हाँ बस कह देते, बस हो गया। विधायक कौन सा विधानसभा लगता है? रहगांव विधानसभा लगता है, जो कि माननीय मंत्री जी हमारी प्रतिमा बागरी मैडम जी हैं, तो अभी बनी हुई है, तो उन पर आप लोग जाइए, उनको ये शिकायत करिए। अरे हम तो हर जगह जा चुके, कल्पना के पास जा चुके हैं और उषा के पास जा चुके, अब हम कहाँ कहाँ जाएं बताइए, किसके किसके पास जाएं? जब वोट आती है, जब चुनाव आता है, जब ही सबको ख्याल आता है, बाकी कोई सब जीरो हैं, सब अपना अपना घर बनाते हैं, अपना अपना रुपया गिनते अपने घर में रखते हैं। सतना में परिवर्तन चाहिए कि वही सत्ता चाहिए? अब परिवर्तन न चाहिए हमको, वही क्या करना हमको, मतलब आप परिवर्तन चाहते हैं? हाँ देखिए, यहाँ रहगांव विधानसभा बटिया पंचायत में काफ़ी समस्या है, और इतनी समस्या है कि लोग यहाँ पे बहुत रुष्ट हैं, और आप सभी लोग वीडियो में देख ही चुके हैं, और जो भी समस्या है मैं आपको रोड वगैरह जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहा हूँ मैं विजय जायसवाल, और एक ए टू जेड रिपोर्ट देता हूँ, गाँव गाँव को विजिट करता हूँ, हर पंचायत को विजिट करता हूँ, और जो भी ग्रामीण जन से ओपिनियन वो आपको देता हूँ। तो सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अच्छे लाल। कौन सी पंचायत लगती है? बठिया खुर्द बेला पंचायत। बेला पंचायत लगती है। हाँ। यहाँ पे लोकसभा चुनाव आ गया है, तो आपकी समस्याओं को देखते हुए, विकास को देखते हुए क्या क्या कमियाँ हैं? हमारे यहाँ समस्या है कि सड़क नहीं है जी जी, और पानी की व्यवस्था जो है तो नहीं होता है जी, और हमारे यहाँ के जो स्थिति ही मरघटिया का प्रॉब्लम समाधान नहीं बनता है जी जी जी। और लाइट जो है तो लाइट में बिल बहुत ज़्यादा आता था, अब तो 100 रुपये फिक्स हो गया है ना। सुनिए, इसके बाद जो है हमारे गांव के विकास में धंधेकाल बहुत होता है। मतलब रोड का रोड की समस्या है, न तो कंपनी दे सके, न तो किसान दे सके, गरीब आदमी न कूद के जा सके न आ सके, चिड़िया तो है नहीं कि यहाँ बैठा है खुर्द बठिया वहाँ पहुँच जा सकना, तो वो वहाँ पर इतनी समाधान टट्टी मैदान के बहुत समाधान, जिसके यहाँ गांव में आपके बठिया खुर्द में कहते हैं मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार, देखने नहीं आता, यहाँ के कर्मचारी लोग बहुत काम गड़बड़ करते हैं। ग्रामीण स्तर में सरपंच सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, सिक्योरिटी जो है बठिया बेला पंचायत का सरपंच सुदामा है, और कंपनी का समाधान नहीं कर पाते हैं, न किसान दे सकता है और न कंपनी दे सकती। तो आपकी समस्या को देखते इस बार सतना लोकसभा सीट में परिवर्तन चाहिए आपको कि वही सत्ता रहे? नहीं, परिवर्तन चाहिए हमको, परिवर्तन यह चाहिए, पानी का चाहिए, बिजली का चाहिए, और राशन कार्ड आठ गठ है अच्छे लाल के वल्द, हमारा अच्छे लाल, उनके परिवार में कोई बड़े बड़े लड़का 25-30 साल से लेके किसी का राशन कार्ड नहीं बना हुआ, समझ गए? राशन कार्ड सरपंच सिक्योरिटी का काम है, खूब अच्छे तरह से कहे हैं, तो कहते वो जिला में बनवाइए, थाना में बनवाइए, कलेक्ट्रेट में बनवाइए, ये कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए राशन कार्ड की जिम्मेदारी सरपंच सिक्योरिटी की होती है, डाटा इकट्ठा करने की, डाटा भेजने की, डाटा भेजने के, हम भी खुद डाटा भेजे हैं, सरपंच करते कहते हैं कि उससे बनवा लाओ, तहसीलदार से बनवा लाओ, पटवारी से बनवा लाओ, हम खुद बनाएंगे। अरे पहले आपके मुखिया जो है कलेक्टर, हमारे गांव के मुखिया होते हैं अपना सरपंच, हाँ वही अपना हाँ, करेंगे तो कहीं इधर की ना लगेगा, वो इधर की लगेगा, वो इधर की ना लगेगा, ये इधर की लगेगा, तो वह इधर की में आप जो गल्ला दे रहे हैं वो गल्ला पा नहीं रहा, वह गल्ला कट के ये लोग जो बेच लेते नफा पाते हैं। अच्छा, मतलब हर महीने गल्ला भी नहीं मिलता? हर महीना हमारे कम से कम 5-6 साल से नहीं मिला। हाँ। अब ये लड़का गया इसका नहीं तो गल्ला देखे, जब तक अंगूठा लगेगा नहीं तो गल्ला नहीं करता। अंगूठा अंगूठा सब आप खुद नहीं बनाते हैं, कहीं की वो उससे बना वाला सिक्योरिटी का सरपंच से और पटवारी से बनवा, फिर तुम्हारा काम हो, जब गुजर गया उसका काम नहीं होता, और जिसका नहीं गुजरा मजबूत खड़े हैं उसका काम होते ही नहीं है।
बिल्कुल हाँ, जो जनता है, जो ग्रामीण की जनता है, जो निराचार है, हाँ। कुछ कर नहीं सकती, उनका कोई समाधान, कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो हमने यह कहते तो हमारे जो विधायक हैं आपके और आपके जो सांसद जी हैं, कभी विजिट करते हैं, कभी गांव की समस्या को देखते हैं? मुँहते नहीं हमें साहब, वोट भर कर आते हैं कि हाँ हाँ हाँ, या काकी के आया, मामा का आया, या फूफू के रहा है, तो घर में जा कर के बैठ बैठ के काम करते हैं। पका इनकी हमें जनता चाहती है, हमें जनता चाहती है, हम खुद हम कर रहे हैं, किसी आप लोग तो जिता रहे हैं। हम तो नहीं जिता के तू दा, हम तो यहाँ कहते दे देते हैं वोट, जा जहाँ जा कहो वोट दे, से मतलब वोट का की थी। मोदी सरकार भी जानता है, सुराज सिंह वो भी जानता है, हम किसान, हम पब्लिक है, हमारे भाईचार, अरे भाईचार का घंट वो जब कुछ देखे। प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, किसान निधि योजना चल रही है, लाडली बहना योजना चल रही है, इन सभी का मिलता है कि नहीं मिलता? कुछ नहीं मिलता है, हम 65 साल का हो जाओ बार नहीं मिलता। वृद्धा पेंशन मिलता है? कुछ नहीं मिलता। वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलता? कुछ नहीं मिल रहा है, इतनी कार्यवाही चल रही है। ये पंचायत में जो भी सरपंच सेक्रेटरी इन पर कार्रवाई हो, और ये जो समस्या है इनको विजिट करें, और यहाँ पे सभी जो भी ग्रामीण समस्या है उनको देखें, और सभी लोग वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, जो भी समस्या हो गया उसको भी नहीं मिलता है। वृद्धा अवध्या किया डोलने लगे, कोई न दर्द न दवाई, गरीब आदमी खाए कमा जाए, जब किया पैसा जोड़ के जाए तब तो उसकी दवा हो, नहीं तो खटिया लाए बैठे, कोई समाधान नहीं उसको मिलता है, इंसिल न पेंसिल, आँखों से गड़बड़, सबसे गड़बड़, मिलना चाहिए बिल्कुल। ये चीजें गलत है, और जो भी इस पर जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई हो। मैं इसी तरह ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देता रहूंगा, जो भी आपके ओपिनियन पोल है वो देता रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। रोड आज तक मुरुम तक इस रोड में नहीं पड़ी हुई है, पूरा एक बटिया से लेके पूरा साइडिंग रोड जाती है। मैं पूरा आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, गड्ढे गुड्ढी, किस तरह की रोड है।